ये मेनली रोड सेफ्टी के लिए है साइकिलिस्ट की। हम लोग जो मेरे साथ राइडर्स भी हैं, हम लोग 6-7 साल से दिल्ली के रोड्स पर साइकिलिंग कर रहे हैं, एंड रिसेंटली आई फील 2-3 साल में साइकिलिस्ट की रोड सेफ्टी, पेडेस्ट्रियंस की रोड सेफ्टी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अ लॉट ऑफ पीपल दे यू नो ड्राइव रैश, वो कहीं से भी आ जाते हैं, रेड लाइट तोड़ देते हैं, रॉन्ग साइड चला रहे हैं, एंड सैडली लास्ट 2-3 हफ्तों में आप अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स देखेंगे तो काफ़ी साइकिलिस्ट की मौत हुई है। एंड एज अ साइकिलिस्ट वी फील कि यार मैं भी इस रास्ते पर रोज़ निकलता हूँ, मैं भी यहाँ पर साइकिल चलाता हूँ, अपने घर वालों को क्या बोलूँ कि यार मैं ये अगर मैं होता तो रोड सेफ्टी पर कैसा लगेगा। एंड आप ऐसी चीज़ अपने सेफ्टी के लिए, अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप बंद तो नहीं कर सकते एकदम से, राइट? एंड हर एक किसी को हक है सड़क पे सेफ्टी से चलने का। सो दिस राइड इज़ फॉर दैट कैंपेन के लोगों को अवेयरनेस हो कि यार साइकिलिस्ट के लिए भी सड़क है, दे ऑल्सो हैव द राइट टू यूज़ द रोड सेफली। सो लोगों को सेफली चलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेड लाइट्स को फॉलो करें, चाहे लेट नाइट हो, सुबह सुबह का टाइम हो, है ना, आप लोग ओवरटेक करते हैं थोड़ा स्पेस देके चले। बहुत लोग होते हैं एकदम से साइड से निकल जाते हैं, बस वाले ट्रक वाले एकदम से साइड से निकालते हैं, तो नॉर्मल गाड़ी में तो नहीं पता लगता, अब साइकिलिस्ट है उसके पीछे जो ड्राफ्ट आता है विंड का, जब एक व्हीकल निकलता है तो उससे डिसबैलेंस हो सकता है बंदा, तो आप ओवरटेक करें तो स्पेस देके ओवरटेक करिए, उसको हॉर्न दीजिए बंदे को, थोड़ा अवेयरनेस से चलेंगे आप तो आपके लिए भी सेफ है, बाकियों के लिए भी सेफ है। साइकिल हमारे वातावरण के लिए बहुत अहम है, बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें साइकिलिस्ट की जो सुरक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक साइकिलिंग ट्रैक होना चाहिए हमारे लिए, और अगर है भी तो गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स जाने चाहिए कि उस पर वेंडर्स और बाइक वाले ना आए। हम इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं साइकिलिंग को, तो ओवरऑल गवर्नमेंट को भी और सिविलियंस को भी पूरा ध्यान देना चाहिए। कई बार होता है हम गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो गाड़ी वाले को हमें नहीं इज्जत फील होती, क्योंकि कभी भी जो पास से निकलते हैं जू करके, तो उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छा कैंपेन है, लोगों में बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस की। एक तो ओवरऑल साइकिलिंग इज़ वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लोगों को ये समझना चाहिए और लोगों को उनका साथ देना चाहिए जो साइकिलिंग कर रहे हैं। सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है, खुद के लिए, फैमिली के लिए, सभी लोग इसमें कंसर्न रहते हैं, तो बहुत अच्छा कैंपेन है और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से सड़क पर चलाएं? हम लोग बता रहे हैं कि 30 की स्पीड होनी चाहिए और ओवरटेक ध्यान से करना चाहिए, क्या कुछ बताने की कोशिश है? तो ये दोनों के लिए ही है, साइकिलिस्ट के लिए भी मैसेज है कि वो जितने भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, उनको लेन में चलाएं, जहाँ तक हो सके ग्रुप में चलाएं। दो इनका फर्स्ट राइट है रोड पे, पर स्टिल जो कार चलाते हैं या जो बाकी व्हीकल्स पे हैं उनका भी इनको ध्यान रखना चाहिए, और साथ में अलग जो दूसरे व्हीकल्स वाले हैं उनको भी थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। कार को मिलजुल के ही सड़क पे चलाना पड़ेगा। भारत में, इंडिया में हमारे पास इतनी बड़ी सड़कें नहीं हैं अभी प्रैक्टिकली, तो कहीं पर थोड़ा सा ये कॉपरेशन से ही चलना होगा, पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी।